फोटोशॉप में कैसे हम लोग टेक्स्ट और इमेज को कैसे मर्ज करते हैं, वो भी फोटोशॉप 7.0 के अंदर। एग्जांपल यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट और इमेज को देखिए, यहाँ पे मैंने मर्ज किया हुआ, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से इफ़ेक्ट हम लोग टेक्स्ट और इमेज को मर्ज करेंगे। चलिए स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ एकदम शुरुआत से कि कैसे क्या करेंगे। तो ये जो फ़ोटो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको पहले मैं जाता हूँ यहाँ से, मैं रिवर्ट कर देता हूँ, ये मैंने रिवर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मल सा जब एक फ़ोटो हम लोग लेते हैं, तो नॉर्मल सा देखिए फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे लेयर पे जब आप नया एक फ़ोटो लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो बैकग्राउंड लेयर है ये लॉक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर देखिए न्यू लेयर का इस तरह से पैलेट खुलता है, और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो लेयर है ये अनलॉक हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब देखिए एक सिंपल सा बैकग्राउंड जो है, देख सकते हैं प्लेन बैकग्राउंड आपको दिख रहा है इस फोटो का। अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा लेयर है। अब इस फोटो को सिर्फ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको सिर्फ सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो टूल है यहाँ पे, जिसे हम लोग बोलते हैं मैजिक वन टूल, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और एक कलर का जब हमें सिलेक्शन करना होता है, तो हम लोग मैजिक वन टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैजिक वन टूल पे मैंने क्लिक किया, और ये जो पहला वाला है न्यू सिलेक्शन पे टॉलरेंस 32, बाकी जो सेटिंग है एज इट इज़ है। अब ये जो वाइट बैकग्राउंड है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, वाइट बैकग्राउंड है, तो एक ही बार में पूरा का पूरा देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन क्या सिलेक्ट हुआ, सिर्फ बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ, ये जो मॉडल है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे सिर्फ ये जो है इसे सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये तो अभी इसको सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम लोग जो मेनू बार है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे सिलेक्ट में। सिलेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्स का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब इन्वर्स पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो क्या हुआ, इसका सिलेक्शन उल्टा हो गया। तो उल्टा होने के बजाय क्या हुआ, सिर्फ हमें ये जो मॉडल दिख रहा है, सिर्फ ये पूरा का पूरा देखिए सिलेक्ट हो चुका है। करने के बाद अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग माउस पॉइंटर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन इस तरह से आपको देखिएगा, इस तरह से एक लिस्ट उभर कर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए लेयर भाई कॉपी दिया हुआ, अब इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब क्या कॉपी होगा, जो सिलेक्शन हम लोगों ने क्लिक किया हुआ है, तो लेयर भाई कॉपी पर जब मैं क्लिक करूँगा, तो देखिएगा बिना बैकग्राउंड का एक लेयर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। देखिए लेयर भाई कॉपी पर मैंने क्लिक किया, अब जो मैंने यहाँ पे जो कॉपी हुआ है, अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए एक नया लेयर यहाँ पे बन गया है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड नहीं है, और एक जो है जो ओरिजिनल जो फ़ोटो था वो है, इसके ऊपर देखिए ये वाला जो फ़ोटो है। अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड नहीं है। अब हमारे पास दो फ़ोटो है, एक बैकग्राउंड वाला, एक बिना बैकग्राउंड वाला, इसके ठीक ऊपर में है। अब हमें क्या करना है, अब नीचे वाला जो लेयर है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे न्यू लेयर पे क्लिक किया, अब ठीक दो फोटो के बीच में देखिए एक नया लेयर यहाँ पे मैंने बना रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करने के लिए टूल बॉक्स में जाएंगे, और ये जो टूल आपको यहाँ पर दिख रहा है हॉरिजेंटल टाइप टूल, इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया। अब मैं थोड़ा सा कैप्स लॉक को ऑन कर दूँगा, जिससे कि मुझे कैपिटल लेटर्स मुझे टाइप करना है, कैपिटल ठीक रहेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने फॉन्ट लिया एरियल और ब्लैक लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि ये जो जो फॉन्ट होता है एरियल ब्लैक, थोड़ा मोटा रहता है, ठीक रहता है। अब मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, देखिए GAUTAM गौतम लिख दिया। लिखने के बाद अब ये जो टूल है आपका मूव टूल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे कंट्रोल टी करके हम लोग इसको स्केलिंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा, तो स्केलिंग का बटन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको मैं देखिए इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ, इतना बड़ा कर देता हूँ। आप अपने मुताबिक जितना आपको अच्छा लगे उतना बड़ा आप साइज कर लीजिए। ये कर लिया, उसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, देखिए नॉर्मल सा आपको एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, जो क्या है, कहाँ पे है, इस फोटो के ठीक बैकग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ पर बीचों बीच है, मतलब ऊपर फोटो है, नीचे भी फोटो है। अब यहाँ बीच में रख दिया। अब इसका ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, इसका एक डुप्लीकेट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखिए मैंने कर दिया डुप्लीकेट लेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास क्या हुआ, देखिए हमारे पास दो टेक्स्ट हो गया, दो फोटो हो गया, दोनों टेक्स्ट जो है देखिए दोनों फोटो के बीचों बीच आपको दिख रहा है। अब क्या करना होगा, जो ऊपर वाला जो टेक्स्ट है आपका, ये जो टेक्स्ट है इसको ठीक ऊपर ले जाएंगे, फोटो के ठीक ऊपर ले जाएंगे, लेके चले आए। अब देखिए क्या हुआ, हमारे पास सबसे नीचे देखिए जिसके साथ बैकग्राउंड वाला जो बैकग्राउंड फोटो है, ओरिजिनल जो फोटो था वो वाला है, ठीक उसके ऊपर एक टेक्स्ट है,
उसके ऊपर ठीक ये जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो वो रखा है, सबसे ऊपर एक और टेक्स्ट रखा। अब हमारे पास दो टेक्स्ट है, दो फोटो है। ऊपर वाला जो फ़ोटो है, ऊपर वाला जो लेयर है जिसमें हमारा टेक्स्ट है, अब उसे क्या करेंगे, यहाँ पे फिल का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके इसका फिल को हम लोग ऑफ़ कर देते हैं। अब जैसे मैंने इस फिल को ऑफ़ किया है तो पीछे में जो टेक्स्ट था वो दिखने लगा, पीछे में टेक्स्ट था, हो गया ऑफ़ कर दिया। अब ये जो लेयर है जिसका हम लोगों ने फिल को एकदम ज़ीरो किया, मतलब खाली कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट रखेंगे और नीचे देखिएगा यहाँ पे एक बटन दिया है ऐड लेयर स्टाइल का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे क्लिक कीजिए, ये देखिए मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं पतला सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रोक। अब यहाँ पे जो कलर रहेगा, यहाँ से आप चाहें तो कलर पे क्लिक कर दीजिए, हल्का सा जो भी आपको कलर लेना है, जैसे थोड़ा सा वाइट या थोड़ा ग्रे टाइप का मैंने कलर लिया है। अब ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पोजीशन आउटसेट किया है, यह जो स्लाइडर है या पिक्सल में आप स्लाइडर यहाँ से बढ़ा देता हूँ, जैसे 16 पिक्सल कर दिया। अब ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब क्या हुआ देखिए ध्यान से, ऊपर वाला जो ये आपका टेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका सिर्फ हमें आउटलाइन दिखाई दे रहा है और पीछे फोटो आपको दिखाई दे रहा है। अब ये वाला जो टेक्स्ट है और ये वाला जो टेक्स्ट है ये सिलेक्टेड है, अब इस टेक्स्ट को दोनों को एक साथ ग्रुप कर देंगे। ये देखिए, देखिए ये देख सकते हैं, ये देखिए जिधर मन करे आप इसको उठाकर इस तरह से टेक्स्ट और इमेज को इस तरह से हम लोग मर्ज कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको बड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं, जो भी नहीं है दोनों टेक्स्ट एक साथ बड़ा छोटा होगा। ये देखिए क्योंकि इस ये वाला जो लेयर है टेक्स्ट वाला और ये वाला लेयर दोनों को मैंने क्या किया, लॉक कर दिया। देखिए ये देखिए हो गया, इसको छोटा बड़ा जैसा आप चाहें छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जैसा आप चाहें ऐसे आप कर सकते हैं। इसको चाहें तो अच्छा से इस तरह घुमा भी सकते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेक्स्ट और इमेज को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, वो भी फोटोशॉप 7.0 के अंदर देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना है या कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।